दिल्ली के थाना वेलकम इलाके में सास बहू की चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई। परिवार के लोग नैनीताल घूमने गए हुए थे, आकर देखा तो हत्याकांड का खुलासा हुआ। उसके बाद पुलिस को कॉल किया गया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की गई। शुरुआती जांच में पुलिस लूटपाट को हत्या की वजह मान रही है और घर में काम करने वाले कर्मचारियों पर शक जाहिर कर रही है। बता दें कि मृतक का परिवार पूजा सामग्री का कारोबार करता है, तो यहाँ लूटपाट की संभावना जताई जा रही है। मैंने गाड़ी की चाबी से गेट खोला तो अंदर गया तो नीचे मम्मी लेटी हुई थी सोफे के पास और ऊपर दादी थी और बिल्कुल ही बीच में से काट रखा है। किसी ने कुछ नहीं बताया, बस ये पूछ रहे हैं कि कहाँ थे तुम। हमने कहा मसूरी और ऋषिकेश गए थे, तो बस ये सब पूछ रहे हैं, और कुछ नहीं बताया। ऊपर से अलमारी सारी तोड़ दी गई है, गोल्ड वगैरह जो तो सब ले गए हैं। डबल मर्डर है, सास एंड बहू यहाँ पर देखा गया है, सुभाष पार्क वाला ही देखा है। इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, फॉरेंसिक टीम आ गई है, क्राइम टीम जांच कर रही है, सस्पेक्ट हमें यहाँ आइडेंटिफाई किए हुए हैं, जांच जारी है। दोनों बेटे गए हुए थे देहरादून ऋषिकेश मसूरी, लौट आए हैं, उन्होंने यहाँ के चेक किया है, दोनों मृत अवस्था में मिले हैं।